देहरादून का रुख कर लेते हैं। शायद प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मंच पर भी आ गए हैं और पहले संबोधित करेंगे फिर योगा करेंगे, सुनते हैं उन्हें पहले। मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव और इस विशाल सुंदर मैदान में उपस्थित मेरे सभी साथियों, मैं देवभूमि उत्तराखंड की इस पावन धरती से दुनिया भर के योग प्रेमियों को चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मां गंगा की इस पवित्र भूमि पर जहां चार धाम स्थित है, जहां आदि शंकराचार्य के चरण रज पड़े हैं, जिस धरती ने स्वामी विवेकानंद जी को बार बार आकर्षित किया, वहां योग दिवस पर हम सभी का इस तरह एकत्रित होना मैं समझता हूं किसी सौभाग्य से कम नहीं है। उत्तराखंड तो वैसे भी अनेक दशकों से योग का मुख्य केंद्र रहा है। यहां के ये पर्वत स्वतः ही योग और आयुर्वेद के लिए प्रेरित करते हैं। सामान्य से सामान्य नागरिक भी जब इस धरती पर आता है तो उसे एक अलग तरह की एक दिव्य अनुभूति होती है। इस पावन धरा में अद्भुत स्फूर्ति है, स्पंदन है, सम्मोहन है। साथियों, ये हम सभी भारतीयों के लिए गौरव की बात है कि आज जहां जहां उगते सूरज के साथ जैसे जैसे सूरज अपनी यात्रा करेगा, सूरज की किरणें पहुंच रही हैं, प्रकाश का विस्तार हो रहा है दुनिया के हर उस भूभाग में, वहां लोग योग से सूर्य का स्वागत कर रहे हैं। देहरादून से लेकर के डबलिन तक, संघाई से लेकर के शिकागो तक, जकार्ता से लेकर के जोहानिसबर्ग तक योग ही योग, योग ही योग है। हिमालय के हजारों फीट ऊंचे पर्वत हो या फिर धूप से तपता रेगिस्तान हो, योग हर परिस्थिति में हर जीवन को समृद्ध कर रहा है। जब तोड़ने वाली ताकतें हावी होती हैं तो बिखराव आता है व्यक्तियों के, समाज के बीच, राष्ट्रों के बीच बिखराव आता है। समाज में दीवारें खड़ी होती है, परिवार में कलह बढ़ता है और यहां तक कि व्यक्ति खुद ही अंदर से टूटता, टुकड़ों में बिखरता और जीवन में तनाव बढ़ता चला जाता है। इस बिखराव के बीच योग जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है। आज की आपाधापी और तेज भागती जिंदगी में योग मन, शरीर, बुद्धि, आत्मा को जोड़कर व्यक्ति के जीवन में एक शांति की अनुभूति कराता है। व्यक्ति को परिवार से जोड़कर
परिवार में खुशहाली बढ़ाता है, परिवार को समाज के प्रति संवेदनशील कर समाज में सद्भाव बढ़ाता है, समाज राष्ट्र की एकता के सूत्र बनते हैं और ऐसे राष्ट्र विश्व में शांति और सौहार्द लाते हैं। मानवता बंधुभाव से पलवित और पोषित होती है, यानी योग व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, विश्व और संपूर्ण मानवता को जोड़ता है। जब यूनाइटेड नेशंस में योग के लिए प्रस्ताव रखा और यह यूनाइटेड नेशंस का रिकॉर्ड है, यह पहला ऐसा प्रस्ताव था जिसको दुनिया के सर्वाधिक देशों ने को-स्पॉन्सर किया। यह पहला ऐसा प्रस्ताव था जो यूएन के इतिहास में सबसे कम समय में स्वीकृत हुआ और ये योग आज विश्व का हर नागरिक, विश्व का हर देश योग को अपना मानने लगा है। और हम हिंदुस्तान के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि हम उस महान विरासत के धनी हैं, हम उन महान परंपरा की विरासत को संजोए हुए हैं। अगर हम अपनी विरासत पर गर्व करना शुरू करें, जो काल बाह्य है उसे छोड़ दें, और वो टिकता भी नहीं है, लेकिन जो समय के अनुकूल है, जो भविष्य के निर्माण में उपकारक है, ऐसी हमारी महान विरासत को अगर हम गर्व करेंगे तो दुनिया गर्व करने में कभी भी हिचकिचाहट नहीं अनुभवेगी। लेकिन अगर हमें ही हमारी शक्ति सामर्थ्य के प्रति भरोसा नहीं होगा तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। अगर परिवार में परिवार ही बच्चे को हमेशा नकारता रहे और अपेक्षा करे कि मोहल्ले वाले बच्चे को सम्मान करे तो संभव नहीं होता है। जब मां बाप, परिवार, भाई बहन बच्चे को जैसा भी हो स्वीकार करते हैं, तब जाकर के मोहल्ले के लोग भी स्वीकार करना शुरू करते हैं। आज योग ने सिद्ध कर दिया है कि जैसे हिंदुस्तान ने फिर से एक बार योग के सामर्थ्य के साथ अपने आप को जोड़ दिया, दुनिया अपने आप जुड़ने लग गई। योग आज दुनिया की सबसे पावरफुल यूनिफाइंग फोर्स में से एक बन गया है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि आज पूरी दुनिया में योग करने वालों के आंकड़े जुटाए जाए तो हो सकता है एक अद्भुत तथ्य विश्व के सामने उभर करके आएगा। अलग अलग देशों में, पार्कों में, खुले मैदानों में, सड़कों के किनारे पर, दफ्तरों में, घरों में, अस्पतालों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, ऐतिहासिक विरासत के सानिध्य में योग के लिए सामान्य से सामान्य लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। विश्व बंधुत्व के भाव और ग्लोबल फ्रेंडशिप को आज योग एक नई ऊर्जा दे रहा है। फ्रेंड्स, द वर्ल्ड हैज एम्ब्रेस्ड योगा एंड ग्लिम्सेस ऑफ दिस कैन बी सीन इन द मैनर इन विच इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हैज बीन मार्क्ड एवरी ईयर। इनफैक्ट योगा डे हैज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट मास मूवमेंट्स इन द क्वेस्ट फॉर गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। फ्रेंड्स, फ्रॉम टोक्यो टू टोरंटो, फ्रॉम स्टॉकहोम टू साओ पाउलो, योगा हैज बिकम अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस इन द लाइव्स ऑफ मिलियंस। योगा इज ब्यूटिफुल
बिकॉज इट इज एंशियंट येट इट इज मॉडर्न, इट इज कॉन्स्टेंट येट इट इज इवॉल्विंग, इट हैज द बेस्ट ऑफ अवर पास्ट एंड प्रेजेंट अ रे ऑफ होप फॉर अवर फ्यूचर. इन योगा वी हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन to the problems we face, either as individuals or in our society. Ours is a world that never sleeps. At every given point, there is something happening in a different part of the world. A fast-paced existence brings with it a lot of stress. I was shocked to read that every year almost 18 million people all over the world die due to heart-related disease. About 1.6 million people lose the fight against diabetes. The way to lead a calm, creative, and content life is yoga. It can show the way in defeating tensions and mindless anxiety. Instead of dividing yoga, yoga always unites. Instead of further animosity, yoga assimilates. Instead of increased suffering, yoga heals. Practicing yoga has the ability to bring an era of peace, happiness, and brotherhood. More people practicing yoga means the world needs more people to teach it. Over the last 3 years, many individuals are teaching yoga. New institutions are being set up, and even technology is connecting people to yoga. I urge you all to build on this momentum in the times to come. May this yoga day become an opportunity to deepen our connect with yoga and motivate people around us to practice it. This can be the enduring impact of this day. Sathiyo, yoga ne duniya ko illness se wellness ka rasta dikhaya hai. Yahi wajah hai कि दुनिया भर में योग की स्वीकार्यता इतनी तेजी से बढ़ रही है. यदि हम आसन और प्राणायाम का नियमित अभ्यास करते हैं तो हम अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ अनेक रोगों से अपना बचाव भी कर सकते हैं. नियमित योग का सीधा प्रभाव किसी भी परिवार के मेडिकल खर्चों को भी कम करता है. राष्ट्र निर्माण की हर प्रक्रिया से, हर एक्टिविटी से जुड़ने के लिए हम सभी का स्वस्थ रहना आवश्यक है. और निश्चित तौर पर इसमें योग की भी बहुत बड़ी भूमिका है. और इसलिए आज के दिन मेरा आप सबसे आग्रह है, देशवासियों से आग्रह है, विश्व के योगा प्रेमियों से आग्रह है कि जो लोग योग के साथ जुड़े हैं वे नियमितता लाएं, और जो अब भी योग से नहीं जुड़े हैं वो एक बार जुड़ने का प्रयास जरूर करें. साथियों, योग के बढ़ते प्रसार ने विश्व को भारत की ओर,
भारत को विश्व के ज्यादा निकट ला दिया है। हम सभी के निरंतर प्रयासों से आज योग को दुनिया में जो स्थान मिला है वो समय के साथ और ताकतवर होने वाला है और मजबूत होने वाला है। स्वस्थ और खुशहाल मानवता के लिए योग के बारे में समझ को और अधिक विकसित बनाना हमारी जिम्मेदारी है। आइए अपनी इस जिम्मेदारी को समझते हुए अपने प्रयास को हम तेज करें। एक बार फिर मैं इस देव भूमि से दुनिया भर के योग प्रेमियों को अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उत्तराखंड की सरकार का भी अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं इस महान कार्यक्रम की योजना के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।